हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम बनाने वाले हैं भाई इनफिनाइट वाटरमेलन फार्म। तो भाई उसके लिए आपको यार सिंपली ब्लॉक प्लेस करने होंगे, कोई भी ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं आप। ये नहीं है भाई कोई ब्रिक की लेनी है, आप कोई भी सिंपली या डर्ट भी प्लेस कर सकते हैं। तो भाई आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने जो ब्लॉक प्लेस किया है वो भाई इवन नंबर में प्लेस करना है। इवन नंबर जैसे 2, 4, 6 ऐसे, आपको भाई ये नहीं करना 9, 11, 13 ऐसे नहीं प्लेस करने, बस इवन नंबर में प्लेस करना है। और भाई इवन नंबर में प्लेस करने के बाद आपको चेस्ट लेनी है और भाई किसी भी साइड चेस्ट लगा देनी है। तो भाई मैंने यहाँ पे चेस्ट लगा दिया। इसके बाद भाई आपको हॉपर लेना है और भाई सिंपली आपको हॉपर इससे कनेक्ट कर देना है। तो भाई हॉपर लगाते समय यार आपको यार झुक के हॉपर लगाने हैं ताकि यार जो आपके हॉपर हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएँ, नहीं तो भाई हॉपर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते और भाई आपका जो सामान है वो चेस्ट पर नहीं जा पाता। तो वैसे इसके लिए यार आप पहले क्राउच हो जाना फिर हॉपर लगाना। तो भाई इसके बाद आपको यार डर्ट ब्लॉक लेने हैं। तो भाई मेरे पास तो यहाँ पे ग्रास ब्लॉक हैं क्योंकि यार मैं क्रिएटिव हूँ। तो भाई आप सिंपली यार डर्ट ब्लॉक ले लेना क्योंकि भाई उसी पे यार आपका यार जो वाटरमेलन है पंपकिन है वो ग्रो होगा। तो भाई सिंपली आपको इसे ऐसे लगा देना है जैसे मैंने लगाया है और भाई आपको यार पहले वाले हॉपर पर पानी डाल देना है ताकि जो यार आपका सामान है वो बहकर हॉपर में चला जाए और भाई जो आपका वाटरमेलन है वो भी पानी से ही ग्रो होगा, बिना पानी के वो भी नहीं ग्रो होगा। भाई इसके बाद लेनी आपको हो, कोई भी हो ले लेना, मैं तो क्रिएटिव में हूँ भाई, मैं तो डायमंड हो लेने वाला हूँ। तो भाई इसके बाद आपको यार ऐसे यार डिग करना है हो के साथ ताकि जो आपके यार पंपकिन है वो यहाँ पे ग्रो हो पाए। तो भाई करते हैं यहाँ पे हमारा डिग। तो भाई अब आपको यार अपनी जो यार ये डर्ट है इसके पीछे भी आपको यार ब्लॉक्स लगा देने, कोई भी ब्लॉक लगा देना, मैं बाद में बताऊँगा इसका क्या काम है। भाई सिंपली आपको यार ब्लॉक लगा देनी है यहाँ पे जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो भाई ब्लॉक लगाने के बाद आपको यार पिस्टन प्लेस करना है अपना। तो भाई आप समझ ही गए होंगे यार पिस्टन क्यों प्लेस करना है, क्योंकि यार पिस्टन से हमारा जो वाटरमेलन होगा वो टूटेगा और भाई इन हॉपर में आएगा और फिर चेस्ट में जाएगा। तो भाई पिस्टन लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आपका पिस्टन है वो एक ब्लॉक के गैप से लगाएं आप। तो भाई उसके बाद आपको सीड लगाने हैं और भाई आपको सीड यार जो पिस्टन के बीच वाला ब्लॉक है उसके सामने लगाने हैं, ना कि पिस्टन के सामने। तो भाई आपको ऐसा करना है। तो भाई मैं यहाँ पे यार मेलन सीड लगा रहा हूँ, आप कोई भी यार ये मेलन में भी वर्क करता है यार, पंपकिन में भी आप कोई भी लगा सकते हो। तो भाई यहाँ तक का काम हो गया हमारा पूरा। भाई आपको लगाना है कोई भी ब्लॉक इन पिस्टन के पीछे क्योंकि यार हम यहाँ पे रेडस्टोन कनेक्ट करेंगे ताकि जो हमारे पिस्टन है वो वर्क करें। तो भाई ये फार्म का यार असल मज़ा तो सर्वाइवल में है क्योंकि वहाँ पे ये फास्ट काम करता है, भाई क्रिएटिव में ये बहुत स्लो काम करता है, मैंने खुद क्रिएटिव में बनाया हुआ है इसलिए मुझे पता है। तो भाई आप इसे सर्वाइवल में बना क्योंकि यार वहाँ पे जो हमारी वेजिटेबल होती है वो जल्दी ग्रो होती हैं, इसलिए भाई ये जो क्रिएटिव में इतना वर्क नहीं करता इसलिए, पर भाई सर्वाइवल में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सर्वाइवल में बनाएं इसे। तो भाई आपको ऐसे रेडस्टोन कनेक्ट कर देना है और भाई ऊपर आपको लगा देना है कोई भी ब्लॉक पर। भाई ग्लास रिकमेंड करूंगा मैं आपको यहाँ पे क्योंकि भाई आप जो ग्लास होता है उससे के आर पार देख सकते हो आप और भाई आप देख सकते हो अंदर आपका फार्म वर्क कर रहा है या नहीं। तो भाई मैंने यहाँ पे लगभग सारे ग्लास लगा ही दिए हैं उनके ऊपर। तो भाई अगर आप चाहो तो गाइस इनके बीच में भी लगा सकते हो, पर भाई ऊपर लगाना ज़रूरी है ताकि जो आपके मेलन से वो इधर उधर ना जाएं, ना ताकि बाहर ना जाएं और भाई आप आर पार सब रहा कुछ देख सके, ना कि आपको पता लगे कि हमारा जो फार्म है अंदर से वर्क कर रहा है या नहीं। अब भाई आपको ऐसे अपने स्टोन लगा देने ताकि आप रेडस्टोन की वायरिंग कर सकें और भाई इसके बाद लेना है आपको अपना रेडस्टोन रिपीटर। अब भाई इससे आपको यार एक रेडस्टोन क्लॉक बनानी है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ रेडस्टोन क्लॉक कैसे बनती है। तो भाई आपको कुछ ऐसे अपने रेडस्टोन रिपीटर प्लेस करने जैसे मैं करूँगा अब। तो भाई एक लाइन आपको उधर मूव करके प्लेस करनी है और भाई एक लाइन दूसरी साइड मूव करके प्लेस करनी है और भाई लास्ट में इन दोनों को कनेक्ट कर देना है, मैं करूँगा बाद में। तो भाई यहाँ तक का काम हो गया पूरा, अब हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे। इनके यार पहले जो आप ये इनको चार टिक्स पे कर देना
ताकि जो टाइम इनका इंक्रीज हो जाए यार पावर देने का। तो भाई मैंने एक साइड के यार जो रिपीटर हैं वो 4 टैक्स पे कर दिए हैं, अब दूसरी साइड के कर रहा हूँ। तो वैस आप भी सिंपली यार ऐसे ही करना। तो वैसे यहाँ तक का मेरा काम हो गया पूरा, अब मैंने कनेक्ट कर देता हूँ। और भाई हम बनाते हैं रेस्टोरेंट क्लॉक। तो भाई ये लगा दी हमने रेस्टोरेंट टॉर्च और भाई ये बन गई हमारी रेस्टोरेंट क्लॉक। तो भाई ये देख सकते हैं हमारे पिस्टन कैसे वर्क कर रहे हैं। तो भाई आप यहाँ पे भी यार अपना रेस्टोरेंट रिपीटर लगा देना ताकि यार थोड़ा सा टाइम लगे यार ये हमारा करंट है उसे पास होने में। तो भाई ये देखिए काम कैसे करेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करेगा। पहले मैं यहाँ पे एक मेलन या पम्पकिन ले लेता हूँ। तो भाई जो हमारा पम्पकिन होगा वो भाई हमारा पिस्टन के सामने ग्रो होगा, और भाई जब पिस्टन से पिस्टन के पास करंट आएगा तो गाइस ये इसे तोड़ कर यार हॉपर में डाल देगा और हॉपर से सीधा हमारी चेस्ट में जाएगा। तो गाइस मैं आपको यार अपना दूसरा फार्म भी बना दिखा देता हूँ जो भाई मैंने दूसरे वर्ल्ड में बनाए हुए अपने। तो भाई ये मेरा टिकटॉक हैक्स वाला वर्ल्ड है। तो गाइस इसमें भी मैंने सेम टू सेम ऐसे ही फार्म बनाया हुआ है। तो गाइस आप देख ही सकते हैं यार ये बिल्कुल वैसी बनाया। और भाई मैं आपको इसकी चेस्ट भी दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखिए यार इसमें कितने सारे पम्पकिंस और मेलन्स हैं। तो यार सिंपली यार ऐसे आप अपना फार्म बना सकते हैं।